बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रियंका बेलान का प्रचार करने से किसने रोका? जब भी चुनावी माहौल आता है तो हर कार्यकर्ता से लेकर नेता चुनाव प्रचार में जी जान से जुड़ जाते हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन एक ऐसा ही वाक्य सामने आया है जहां कार्यकर्ताओं को ही चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूरतगढ़ की। यहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता जब श्री गंगानगर से प्रत्याशी प्रियंका बेलान के लिए जब चुनाव प्रचार की तैयारी करता है तो उन्हीं की पार्टी के पदाधिकारी ही उन्हें चुनाव प्रचार से रोक देते हैं। सबसे पहले आप उस कार्यकर्ता की जुबानी सुनिए जिनको चुनाव प्रचार से रोका गया। मेरा नाम सुरेंद्र वर्मा, वार्ड नंबर 3 से। मैं भारतीय जनता पार्टी भाजपा का कार्यकर्ता हूं, जो 10-12 साल से मैं भाजपा के लिए कार्य कर रहा हूं। और मैं 2-3 दिन पहले भाजपा कार्यालय में गया और मैंने कहा कि मेरे वार्ड में अभी तक कोई पहुंचा नहीं और मैं प्रियंका जी बेलाना के वोट मांगना चाहता हूँ भाजपा के, तो मुझे सामग्री दो। तो उन्होंने मुझे सामग्री दे दी। फिर कुछ देर बाद महामंत्री लालचंद जी शर्मा वहाँ पहुँचे और आए और नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश जी मिश्रा जी वहाँ आए और मेरे से सामग्री वापस ले ली। लालचंद जी शर्मा ने सुरेश जी शर्मा को इशारा किया, फिर उन्होंने कुछ बात की और मेरे पास आके बोले तुझे भाजपा के वोट नहीं मांगने और मेरे से सामग्री ले ली। और मैंने पूछा क्यों नहीं मांगने, मैं भाजपा का हूँ और मैं भाजपा को जिताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको भाजपा के सामग्री नहीं दी जाएगी, ना भाजपा के वोट मांगो। और उन्होंने मेरे से सामग्री ले ली और मैं ऑफिस से आ गया और उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि तू क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा। और मैं मेरा आ गया और मैं वहाँ से आ गया। और मुझे लगता है यही कारण था, जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी है जो सूरतगढ़ विधानसभा से अपने श्रीमान राम प्रताप जी कासनिया जी विधायक खड़े हुए थे, उनके हारने का कारण यही था, क्योंकि जो ये मोटे बड़े बड़े पदाधिकारी थे ये छोटे जो कार्यकर्ता थे उनको मारने का काम किया और उनको तोड़ने का काम किया, जिससे राम प्रताप जी कासनिया जी को हार देखनी पड़ी। और राम प्रताप कासनिया जी इतने अच्छे बंदे थे कि उनको कभी हार नहीं हुई। आज तक का रिकॉर्ड था कि राम प्रताप कासनिया जी आज तक जीते थे, लेकिन इन्हीं कारण पदाधिकारियों के कारण इन्होंने कार्यकर्ताओं को तोड़ा और इन्हों को हार देखनी पड़ी। कासनिया जी का इतना अच्छा व्यवहार था, कभी किसी को नहीं रोका काम के लिए, लेकिन इन्होंने जो जब राम प्रताप कासनिया जी मिलने जाते थे तो इन्होंने मिलने नहीं दिया, तो राम प्रताप कासनिया जी को कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए मेरे कार्यकर्ता मेरे पास क्या काम लेके आए हैं। इन्होंने पहले ही कार्यकर्ताओं को तोड़ के रखा था, दूर कर देते थे ताकि कोई काम ना हो, इससे ये कारण है। और इन कार्यकर्ताओं के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। लालचंद जी शर्मा और सुरेश जी मिश्रा ने हर कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया, उनकी कोई बात नहीं मानी। तो जय हिंद जय भारत। दरअसल इस पूरे वीडियो के माध्यम से इस कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि राम प्रताप कासनिया को हराने में भी ऐसे ही पदाधिकारियों का हाथ है। इस कार्यकर्ता का कहना है कि महामंत्री लालचंद शर्मा और नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश मिश्रा के द्वारा मुझे चुनावी प्रचार से रोका गया। साथ ही कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि हमारे जैसे कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करके हमारे प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी अवहेलना की जाती है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में पार्टी के खिलाफ भी विरोध शुरू हो जाता है। वहीं इस बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा दोनों ही पदाधिकारियों पर कार्यकर्ताओं को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बीजेपी जहां कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह से कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है, तो पार्टी अब इस पर क्या एक्शन लेती है।